सपोर्ट नहीं है, हड्डी नहीं है, कम है आपका नोज, समझा? इनका डबल है, आपका हाफ नहीं है, आपका थोड़ा हाफ से कम है, ऐसा तो बीच में आएगा। वो 25 साल से सफर हो रहे, इससे अच्छा कर देंगे आपको, ठीक है? ओ इसे कारण वो टिप भी चाहिए, हो जाएगा सर। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी ना सर? अब यूट्यूब में देख देख के आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके कब करना है ये आपको? आज हो सकता है सर? आज हो सकता है, फुल रेडी बनूंगा, लेटेस्ट फोटो बनी। कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है आपको? है, मेडिकेशन चल रहा है उसके लिए, तो फिर एनालिसिस डॉक्टर को दिखाना है, वो देख करके आपको बताएंगे। और सर, उसके बाद बीपी भी उनका थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहता है, वो भी चेक करके देखेंगे। अगर उसके लिए कुछ और इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगा एक को, फिर आज नहीं होगा कल होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये दो दिन से टैबलेट भी नहीं ली, हाँ तो पूरा चेक कर लो उनको इसी चीज सब कुछ, और क्लीन शेव भी करो ऑपरेशन से पहले, ठीक है? इधर मिल जाएगा। ओके चलो रेडी हो सर। बाकी के डिटेल्स आपको ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 10 से 12 दिन लगेगा। इनको यहाँ पे हड्डी की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हड्डी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो बस और क्या है, हड्डी में काम हो रहा है तो आपको पूरा हीलिंग के लिए 1 महीना लगेगा, क्योंकि वो हड्डी धीरे धीरे सही होगा ना, बस बस कुछ नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ 10 डेज रहना पड़ेगा? 10 मिनिमम सर्जरी के बाद। आज सर्जरी हो तो कल 1 डे है ऐसा, कल सर्जरी हो तो परसों 1 डे, ऐसा समझ के 10 डेज मिनिमम। ओके 10 डेज के बाद में जा सकते हो, एक बार आप चले जाओगे ना पूरा स्प्लिन निकाल के, फिर और 2-3 हफ्ता थोड़ा केयर लेने का है, बस आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा हो जाएगा, फिर आने की जरूरत नहीं, नहीं। मेडिसिन पूरा यूज किए तो बस काफी, काफी है, ठीक है। अब कुछ ये बाकी के प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, डोंट वरी, हम लोग पूरा टेस्ट करके करेंगे ना, तो बाकी का कोई इश्यू नहीं आएगा। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, माने वो अच्छा हो जाएगा, ये इसके कारण ही टेस्ट हो ना के कारण ही वो पीछे पीछे रहना पड़ रहा है ऐसा। अब वरी मत करो, मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके बाय सर। अमाउंट हो गया? वो बाहर बता देंगे आपको। अच्छा अमाउंट, हाँ।